17 सप्टेम्बर थी लईने 7 ऑक्टोबर सुधी नरेंद्र मोदी ना जन्मदिवस की उजवणी करवामां आवी रही छे, जे अंतर्गत विविध कार्यक्रमों आयोजन कराई रह्यु छे, जेने लईने जामनगर में वडाप्रधान मोदी ना जीवन पर ना प्रेरणात्मक वक्तव्य नुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। प्रख्यात वक्ता शरद ठाकर ने आमंत्रित करवामां आव्या हता। गुजरात ना मुख्यमंत्री थी लईने वडाप्रधान सुधी नी सफर विषे वातो करवामां आवी। आ कार्यक्रम में भाजप ना होद्देदारों आगेवानों तेमज कॉर्पोरेटर उपस्थित रह्या हता। नरेंद्र भाई मोदी विषे बोलवो ये तो नरोमा इंद्र छे। आ देशना वडाप्रधान बेना छे ए एमनू नहीं, आ देशनू सद्भाग्य छे। दुष्यंत कुमारनी पंक्ति मने याद आवी जाय छे, हो गई है पीढ़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आ देशना राजकारण में एटली खराब परिस्थिति थई गई थी, करोड़ों नी जनता त्रस्त थई गई थी, त्राहीमाम पुकारी गई थी। ए वक्त एम लगू कि आ पीड़ा जरा वधीने मोटी पहाड़ जेवी बनी गई है, तो ये पहाड़ में एक शीतल जलवाही गंगा निकलवी जोईए। अने गंगा अवतरण नरेन्द्र भाई मोदी स्वरूप में थयु। नरेन्द्र भाई आया है तो बधाने एक विश्वास है कि आ देश कशुज खराब नहीं थाय। नरेन्द्र भाई 71 में जन्मदिवस निमित्ते 17 तारीख थी लईने अने ज्यारथी एमने गुजरातनी मुख्यमंत्री तरीके धुरा संभाळी एटले के 7 ऑक्टोबर आ 20 दिवसना विविध लक्षी सेवा अने समर्पणना कार्यो भारतीय जनता पार्टी द्वारा हाथ धरवामां आव्या हता, जेना भागरूपे एनी कड़ी ज कही शकाय ए भागरूपे आजे नमोत्सव एटले के नरेन्द्रभाईना जीवन कवन उपर आपणा गुजरातना प्रख्यात वक्ता अने लेखक एवा डॉक्टर शरद ठाकर साहेबनू अहीं टाउन हॉल खाते एक वक्तव्य गोठवामां आव्युं हतुं, अने एमां जामनगरना प्रबुद्ध नागरिकों अने भारतीय जनता पार्टीना तमाम स्तरना कार्यकर्ताओ जोड़वाना हता।